प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन, लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखुनेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर, उनके दिल को धाम बनाकर, अपने हुक्म से, अपने दिल से, इल्म के सागर से रस हम आत्माओं को सुख पहुंचाने के वास्ते पहुंचा रहे हैं। ये वाणी हमारे लिए, हक इल्म से ही मोमिनों का दिल अर्स होता है, दूसरा कोई विकल्प होता नहीं, और उसके आगे की प्रेम का मार्ग उसी इल्म से प्रशस्त होता है। खुले अंग सिंगार छवि छाती, रूह मेरी क्यों नावे तो लज्जत, तो के हके कही अर्स की, अर्स किया तेरे दिल को तो ऐसी बड़ाई, हके दई तो ऐसी बड़ाई, हके दई जो कदी तैं आई नहीं। प्रणाम सुंदर साहब जी। हफ्सा में मिहिरराज ठाकुर का जीव, उसका तन और इंद्रावती की आत्म। इंद्रावती की आत्म विरह में इतना डूब गई कि उसका श्वास भी बंद हो गया। जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपनो दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पियो। जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी, व्रत भी राखो विरहिन। कुर्बानी की वो पराकाष्ठा थी, तब धाम धनी ने अपने परम धाम के स्वरूप में श्री इंद्रावती जी को दर्शन दिया और उनके अंदर आकर विराजमान हो गए, और जब उनके दिल को अर्श बना दिया, उनके दिल को धाम बना दिया, और स्वयं उसके अंदर आकर बैठ गए, जहां से अनंत न्यामतों की लहरें बहने लगी। और फिर क्या कहते हैं, रूह मेरी क्यों ना आवे तो है लज्जत, तो को हके कही अर्स की। इंद्रावती जी को राज जी ने
साफ बता दिया कि तुम अर्श की हो, अब वो अर्श तुम्हारा दिल है क्योंकि मैं यहाँ विराजमान हूँ और मेरा दिल विराजमान है, तो दिल के अंदर उपस्थित अनंत सागरों का अनंत रस, अनंत न्यामतें, अनंत संपदाएं, अनंत निधियां सब अब तुम्हारी हो गई, तो तुम्हें अब उसकी लज्जत क्यों नहीं आ रही? प्यारे सुंदर साज जी, ये इंद्रावती की महानता है। वो अपने ऊपर लेकर कह रही हैं, लेकिन ये सभी सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए है, ये उनके लिए नहीं है। सुंदर साथ जब वाणी पढ़ता है तो उसको मात्र शुष्क ज्ञान समझकर ग्रहण करता है, थोड़ी बहुत सेवा पूजा कर लेता है और सोचता है कि वो राज्य के नज़दीक हो गया या राज्य उसके सहरग से नजीक हो गए, लेकिन फिर भी अनंत न्यामतों की जो लज्जत है वो नहीं आती। और अनंत न्यामतों की लज्जत का जो जुज है, जिस्ट है, वो है क्या? वो है प्रेम, वो है इश्क। तो रूह मेरी क्यों न आवे तो है लज्जत, तो को हके कही अर्श की, तुम्हें परम धाम की आत्मा कहा है और उसके बावजूद भी तेरे दिल में वो प्रेम नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या वो नूर हो, क्या वो नीर हो, क्या वो क्षीर हो, क्या वो दधि हो, क्या वो घृत हो, क्या मधु हो, क्या रस हो, क्या सर्व रस के अनंत सागरों की अनंत रस, उसका स्वाद तुझे क्यों नहीं आ रहा है? तो मेरे प्यारे सुंदर साज जी, उन सब का स्वाद है प्रेम। अगर मेरे दिल में प्रेम ना आया तो जानो कि किसी भी न्यामत की हमें लज्जत आई नहीं। अर्श किया तेरे दिल को, इंद्रावती का दिल तो हफ्सा में ही अर्श हो गया, लेकिन वाणी के द्वारा इंद्रावती को यह हुक्म है कि सभी आत्माओं को जगाओ, और वाणी जब खुल गई और सभी आत्माओं को उसका रस मिलने लगा, तो सभी आत्माओं को एक गुमान न होने पाए कि इस ब्रह्मांड में बाकी सब छोटे हैं और वो बहुत बड़े। अपने आप को राज्य के चरणों में देखो, अपने दिल में उस खिलवत को देखो जहां जुगल स्वरूप के साथ वो अनंत परम धाम, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां विराजमान होती हैं जुगल स्वरूप के साथ। लश्कर सारा दिल का, लश्कर माने समुदाय, ये ब्रह्म सृष्टियों का पूरा समुदाय कहां से प्रकट होता है? ये लश्कर सारा दिल का, राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप ये ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां सब राज्य के दिल का ही प्रकट स्वरूप है, राज्य ही है। ये लश्कर सारा दिल का, सो दिलबरी सब चाहे, सो राज्य के दिल का अनंत रस ये ब्रह्म सृष्टियां चाहती हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है? अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। राज्य के चरण कमल जब आत्माओं के दिल में आ जाते हैं तो
राजी के दिल के अनंत रस हमारे दिल में प्रवेश करने लगते हैं। कैसे? सुंदर साथ जी, दो बातें हम लोग अच्छी तरह समझ लें कि जब तक राजी का पूर्ण स्वरूप दिल में नहीं आता, तब तक जानो कि बात बनी नहीं। स्वरूप ग्रहिए हक का, अपनी रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप दिल आया, तब दो उठे बराबर। अब यहां स्वरूप और पूर्ण स्वरूप में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले चरण पे स्वरूप ग्रहिए हक का, जो परम धाम राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत है, हकीकत कहलाता है, और राज्य का दिल मारिफत कहलाता है, वो परम सत्य का स्वरूप है। तो अद्वैत और स्वलीला अद्वैत, मारिफत और हकीकत मिलके राज्य का पूर्ण स्वरूप होता है। अगर हमारी सुरता मात्र परम धाम के 25 पक्ष जुगल स्वरूप के अंगों का रस पीते हैं, तो हमें राज्य के दिल तक पहुंचना है। तो स्वरूप ग्रहिए हक का, अपनी रूह के अंदर वो पूर्ण हकीकत स्वरूप अपने दिल में बसा लो। पूर्ण स्वरूप जब आया, तब दो उठे बराबर। उसके बाद जब राज्य के दिल का रस, उनका मारिफत स्वरूप, परम सत्य का स्वरूप मेरे दिल में आ जाता है, तब राज्य का पूर्ण स्वरूप मेरे दिल में आता है। तो ये हकीकत और मारिफत, सुंदर साथ, इसको कठिन मत समझिए। मारिफत राज्य का दिल है और उस दिल का प्रकट स्वरूप हकीकत है, यानी अद्वैत मारिफत है और स्वलीला अद्वैत हकीकत है। हकीकत के अंदर मारिफत का पूर्ण रस होता है। तो पहले हकीकत को तो लेना ही पड़ता है, उसके बाद राजी के चरण कमल पकड़कर मारिफत अपने दिल में आ जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि बिन जामे देखो अंग को, आसिक सब सुख चाहे, बागा पहने हमेशा देखिए, कछु ए छवि और देखाए। शाब्दिक अर्थ तो आसान है, आप सब समझ सकते हैं कि जुगल स्वरूप को बागा पहने तो हम हमेशा देखते हैं। राजी श्वेत रंग जड़ाव को जामा, आसमानी रंग की पिछौरी, सिंदूरिया रंग के पाग, केसरिया रंग जड़ाव को इजार, नीलो ने पीलो बीच के रंग को पटुका, ऐसा सुंदर वस्त्र और आभूषण के साथ राजी ने हमें बता दिया कि हमारे जुगल स्वरूप का क्या श्रृंगार है। लेकिन कहते हैं बिन जामे देखो अंग को, चरण तली, पंजा, तली लांक, एड़ी, घूंटी, टखना, पिंडली, जांघें,
कटी कमर, पासली पीठ, बाजू सुराहीदार गर्दन, मुख कमल हरवटी लाल अधर, नासिका श्रवण अंग रसना नैन कमल नीलवट केश, सभी अंगों की शोभा एक से एक भरपूर है। आप उन सब अंगों की शोभा लेना होगा। तो एक वस्त्र और आभूषण से ढके हुए अंगों की शोभा है और एक बिना वस्त्र के बिना आभूषण के अंगों की शोभा। तो ये है क्या? आप इसे मात्र वस्त्र और आभूषण के बिना न देखें, यह हकीकत और मार्फत का भेद है। जो बाहर दिखता है वो हकीकत है, जो नहीं दिखता वो मार्फत है, लेकिन मार्फत के ही आदेश से हकीकत की शोभा बनती है। तो ये हकीकत और मार्फत के स्वरूप हैं। देखिए, हम लोग वाणी में पढ़ते हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। अब निज नाम के विधविध के अर्थ होते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन नाम की आवश्यकता तन को होती है और उसका स्वयं का स्वरूप उसका दिल होता है। तो निज दिल है और नाम तन है, इसलिए नाम हकीकत का स्वरूप है और निज मारिफत का स्वरूप है। तो निज नाम सोई जाहिर हुआ, यानी मारिफत और हकीकत जो परब्रह्म का पूर्ण स्वरूप है, वो अब तारतम के प्रकाश में राजी ने खुद अपने हुक्म से जाहिर करा दिया। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। आदि अनादि काल से, जब मैं आदि अनादि कहता हूं तो जैसे ये ब्रह्मांड एक बार बन के मिट जाता है तो फिर उसका आदि होता है, लेकिन ये आदि का चक्र अनादि काल से चल रहा है। अक्षर ब्रह्म अनादि काल से इस उनके मन का स्वाप्निक स्वरूप, ये काल माया का ब्रह्मांड की रचना, हर रचना की एक शुरुआत है एक अंत है, लेकिन ये शुरू और अंत होना अनादि है, ये हमेशा से है। इसीलिए मैं आदि और अनादि को साथ जोड़ के कह देता हूं, जिससे बात समझ में आ जाए। तो ये आदि अनादि से जो ऋषि मुनि संत जन क्या ढूंढ रहे हैं, वेदों ने क्या ढूंढा, वो परब्रह्म की सही पहचान। और परब्रह्म की सही पहचान उस अक्षरातीत की पूर्ण पहचान, उनके हकीकत और मार्फत दोनों स्वरूप से होती है। आशिक अपने शौक को विद-विद सुख चहे, विद-विद रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लहे। आशिक यानी रूहें, आशिक अपने शौक को, उनको क्या शौक है कि बस राजी का अंगों का सुख लें, उनके दिल का सुख लें,
उनके वस्त्र और आभूषण का सुख लें। आशिक अपने शौक को विधविध सुख चाहे, तरह तरह के सुख चाहिए। आशिक अपने शौक को विधविध सुख चाहे, विधविध रूप स्वरूप के। रूप है जो दिखता है, आकार है, वो हकीकत है, और स्वरूप उनका दिल है। तो विधविध रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लहे। उसको दिल का भी रस चाहिए, अंगों का भी रस चाहिए, वस्त्र और आभूषण का भी रस चाहिए, क्योंकि हर कुछ आत्म स्वरूप है, सब चीज रूह है। आसिक इन मासूक की नए सुख चाहे अनेक, निरखे नए नए सिंगार, जाने एक से दूजा विशेक। अब ये निरखे नए नए सिंगार, इसको मात्र राज्य के वस्त्र और आभूषण तक सीमित मत रखो। परम धाम ही राज्य के आकार का सौंदर्य है। परम धाम के 25 पक्ष उत्तर से ले लीजिए, पुखराज पहाड़, जमुना जी, हौज कौसर। 24 सांस का महल, कुंज निकुंज, बट पीपल की चौकी, नूरबाग, फूलबाग, अनबन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा, बड़ोवन, मधुबन, महाबन, ताड़वन, खड़ोकली, सात घाट, सात वन, और 5 फिरावे, बड़ी रांग, छोटी रांग, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा और जवेरों की नहरें, और इन 5ों के बीच में जोड़नी वाली महानद। ये सभी राज्य के नूरी सिंगार हैं। असल में हम जब भी राज्य के बारे में सोचते हैं तो कंचन रंग के सिंहासन पर मूल मिलावे में विराजमान राज्य का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, और उनके चरणों में बैठे 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, और मूल मिलावे का स्वरूप, चंद्रवा चंद्रवा से लटकती नूर की लरें, 64 थंब, सबके बीच में, इन थंबों के बीच में नूर की दीवाल, लाल तकिए, लाल गिलम, उसकी शोभा को हम निहारते हैं। लेकिन जब राज्य अपना दिल आपके दिल में डाल देते हैं तो परम धाम का पूर्ण स्वरूप राज्य के सौंदर्य का सिंगार हो जाता है। अब सुंदर सात, पुखराज पहाड़ वस्तुतः क्या है? राज्य का एक आकार है। कितनी परम सुख देने वाली ऐसा सिंगार सजा, तो माणिक पहाड़ भी सजा, जमुना जी भी सजी, तो हौज कौसर भी सजा, 24 सांस का महल भी सजा, चांदनी चौक की रेती का जो वो भी सिंगार हमारे धाम के धनी का सिंगार है, जिसकी नूर की किरणें जिमी से अंबर तक जाती हैं, और चांदनी चौक के अंदर 2 चबूतरे, लाल और हरे वृक्ष, 2 भूम तीजी चांदनी, उसके डालियां झरोखे तक जाती हुई रंग महल की, दूजी भूम के झरोखे में। ये सारा सिंगार
है किसका। रंगमहल के चारों तरफ चार 16 हांस के 6 बच्चे, उसका झरना दसवीं भौम आकाशी चांदनी तक जाता हुआ फोवारे, वो सिंगार किसका? वो राज्य का। तो राज्य का सिंगार जब हम दिल में लेते हैं तो वो पूर्ण हकीकत के स्वरूप का सिंगार आशिक अपने दिल में भरता है, तो उन सिंगार के साथ साथ राज्य का दिल आपके दिल के अंदर इश्क पहुंचाता हुआ बस जाता है। और इश्क माहे रूहन, रूहों के अंदर ही दिल में राजी का दिल होता है और उस दिल में इश्क होता है। और इश्क माहे रूहन हकें अर्स कहया जाको दिल, हकें दिल दे रूहों दिल लिया यो एक हुए हिल मिल। जब हम वाणी मंथन के द्वारा अपनी सुरता, मेरी आत्मा सुरता चितवन के द्वारा मूल मिलावे में ले जाती है, तो उस मूल मिलावे में ही परम धाम का दृश्य मेरे जुगल स्वरूप के अंदर दिखने लगता है। तो आसिक इन मासूक की नए सुख चाहे अनेक, उसको तरह तरह के सुख चाहिए होते हैं, विध विध के निरखे नए नए सिंगार। अब नए नए सिंगार सिर्फ वस्त्र और आभूषणों तक या उसके रंगों तक सीमित नहीं रखें, ये पूरा परम धाम ही मेरे राज्य का सिंगार है और उस सिंगार को देखना है, अष्ट प्रहर देखना है, हर घड़ी हर पल परम धाम का वो सुंदर मीठा स्वरूप हमारी आत्मा के दिल में बसना चाहिए। सुंदर साची, जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, ए नैन अंग नूर जमाल के, सो आसिक से क्यों जाए। अब मेरी आत्मा राज्य के हुक्म से आए हुए इल्म तारतम ज्ञान के प्रकाश में मेरी आत्मा की अंतर्दृष्टि खुल जाती है। माया का जो पर्दा चढ़ा हुआ था वो हट जाता है और मेरी सुरता अब परम धाम के अंदर लग जाती है। जो कदी आसिक खोले नैन को, इल्म से अब मेरी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। फिर सबसे पहले मैं धाम धनी के चरण कमल अपने दोनों हाथों में ले लेती हूं। गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए अनंत शीतल सुगंधित चरण कमलों का स्पर्श मेरे हाथों से होता हुआ मेरे दिल के अंदर सुकून पहुंचाता है। जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, और फिर धनी की मेहर, अब मेरी नजर नक से शिक तक का सिंगार निरखते हुए धाम धनी के मुखार बिंद पर पहुंचती है। गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए
नूरी मुखारबिंद। उनके दिल के अनंत गुणों को, प्रेम के गुणों को उनके मुखारबिंद पर मैं अब देख रही हूं। फिर धनी बहुत लाड़ में आकर अपने नैन कमल के दर्शन देते हैं। चंचल चपल चतुर तारे पुतलियां श्वेत नैन गुलाबी आभा पलके पापड़ भौहें अनियारे नैन बके नैन तिरछे मदमाते अपने नैनों से अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस अपने नैन रूपी सुराही से लेकर हमारी आत्मा के नैनों में नैन रूपी प्याले में डालकर मेरे दिल पे पैदर पे निरंतर लगातार पिलाते रहते हैं। इस प्रकार से हकीकत का दीदार करते ही मेरे दिल में मार्फत का रस पहुंचने लगता है। इस दीदार को अपने दिल में सदैव रखना है। वस्त्र भूखन सब पूरन सुख बिन जामे और जिनस देख देख देखे जो आसिक जो देखे सोई सरस। एक से एक सुंदर सिंगार। सुंदर साथ ध्यान दीजिएगा। वस्त्र भूखन सब पूरन, जब हम जुगल स्वरूप का कंचन रंग के सिंहासन पर सिंगार देखते हैं तो वो पूर्ण है, क्योंकि परम धाम के अंदर कुछ भी अपूर्ण तो हो ही नहीं सकता। वस्त्र भूखन सभी पूर्ण है, बट सुख बिन जामे और जिनस, बिना बागा पहने बिना वस्त्र और आभूषण के उनके अंगों के आकार को देखना। अब सुंदर साथ आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। पुखराज पहाड़ कौन सा वस्त्र और आभूषण पहनता है? माणिक पहाड़ कौन सा वस्त्र और आभूषण पहनता है? बड़ो बन मधुबन महाबन क्या वस्त्र और आभूषणों से लदे हैं? वो सारे वो अंग हैं जिस पे वस्त्र और आभूषण नहीं है, वही है बिन जामे और जिनस। जब हम परम धाम के अनंत आकारों को बिना वस्त्र और आभूषण के देखते हैं, जैसे शेर हो या चीता या ऊंट या हाथी या बंदर, क्या किसी ने वस्त्र और आभूषण पहन रखा है? लेकिन वो सभी राज्य के नूरी तन है और उन सभी के अंदर राज्य का दिल है, इसलिए अपनी नजर को परम धाम के अंदर देखिए। सुख बिन जामे और जिनस, यानी परम धाम का कोई भी आकार ऐसा नहीं है जो राज्य का तन ना हो, और उसका सुख लेना अर्श की हकीकत का सुख लेना। और जब राज्य के चरण कमल मैं पकड़ती हूं और उनकी मेहर से जब मेरे नैन राज्य के नैनों से मिल जाता है तो उनके
दिल का रस, मार्फत का रस मेरे दिल में आने लगता है। ये हकीकत मार्फत के कुछ भेद हैं जो दिल करता है कि आपको बताएं। अब जैसे मैंने एक चौपाई कही है, लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहें, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाएं। तो सुंदर साथ, आप बताएंगे कि आप अपना दिल राज जी को कैसे देंगे और उनका दिल लेंगे तो कैसे लेंगे। मासूक छाती निरखते क्यों याद न आवे अर्स, विचार किए आवे अनुभव, जाको दिल कहियो अरस परस। मासू की छाती निरखना, इसके क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि छाती परम धाम की हकीकत का स्वरूप है जो सत्य में मुझे दिखता है। और दिल क्या होता है? जो छाती के अंदर होता है। दिल मारिफत और छाती हकीकत। तो कहते हैं मासूक छाती निरखते, तो इसको मात्र एक राज्य की एक अंग का वर्णन नहीं है। जैसे ही हम छाती कहते हैं वो हकीकत का स्वरूप है, वो पूरे परम धाम का स्वरूप है। राजी का है, श्यामा जी का है, रूहों का है, वो पूरा स्वरूप है। मासूक छाती निरखते क्यों याद ना आवे अर्स। अब सोचो कि मासूक की छाती को निरखते हमें अर्श क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि मासूक की छाती वो अंग अगर हकीकत है तो अर्श भी हकीकत है। उस परम सत्य, उनके दिल जो छाती के अंदर है। अब छाती के अंदर दिल, जरा इसकी व्याख्या समझ लें सुंदर साथ। ये मेरा तन है जिसमें बाह्य अंग तो सब दिखते हैं, लेकिन छाती के अंदर जो हैड़ा है, जो दिल है, जो हृदय है, वो दिखता नहीं। लेकिन उसी का स्वरूप वो तन होता है। अगर दिल नहीं तो तन नहीं, और तन तभी रह सकता है जब दिल है। दिल ही रूह है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मासूक छाती निरखते क्यों याद न आवे अर्स, विचार किए आवे अनुभव, जाको दिल कहियो अरस परस। अब अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए, या हके दिल दिया रूहों दिल लिया। और इश्क माहे रूहन हके अर्ज कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिलमिल एक स्वरूप हो जाते, तब दो उठे बराबर, जब पूर्ण स्वरूप दिल के अंदर आता है। तो जब आप विचार करते हैं तो विचार करने का तरीका क्या है आपके पास? विचार सुंदर साथ बुद्धि से होता है। तो सपने की बुद्धि से परब्रह्म का स्वरूप अपने हृदय में नहीं लिया जा सकता। और राजी के हुक्म का फरिश्ता असराफील, जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, जब राजी के हुक्म से उस जागृत बुद्धि का प्रवेश आपके अंदर होता है, तब आप विचार कर सकते हो परम धाम का, हकीकत का और मार्फत का, यानी राजी के पूर्ण स्वरूप का।
इस बात की गहराई को पकड़ लो सुंदर साथ, फिर हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होइए, खुलिया दरवाजा दाम। इस गहराई को पकड़ना है कि हकीकत राज्जी का ही रूप है और मारिफत उनका दिल है। और ये बात मैं जितनी बार भी कहूं, मैं तो नहीं अघाता, क्योंकि जब मैं इन दोनों की बातें करता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे राज्जी का पूर्ण स्वरूप की लहरें मेरे दिल में प्रवेश करने लगती। अद्वैत और स्वलीला अद्वैत। तो जाको कहते हैं, विचार किए आवे अनुभव। जब आत्मा जागृत बुद्धि का बल लेकर अपने धाम धनी के रूप और स्वरूप, पूर्ण स्वरूप को निरखती है, तो उसका दिल परातम का दिल और राज्जी का दिल अरस परस हो जाता है। देखो, राज्जी का दिल परातम के दिल में, परातम का दिल आत्म के दिल में। परातम के दिल में कौन विराजमान? राज्य का दिल। और परातम का दिल आत्म के दिल में, तो आत्म के दिल में कौन विराजमान? राज्य विराजमान। और इनविद अरस परस, ठीक है। जो विचार विचार विचारिए, तो हक छाती ना दिल अंतर। अब ये मैं छाती और दिल की बात कर रहा हूं। दिल मारिफत है और छाती हकीकत है। छाती दिखती है, जो दिखे वो हकीकत, जो ना दिखे वो मारिफत। लेकिन हकीकत का कोई रूप न प्रकट होता है, न लीला करता है, बिना मारिफत के आदेश के। और वही आदेश राज्जी के दिल से निकला हुआ हुक्म होता है। जो विचार विचार विचारिए, तो हक छाती ना दिल अंतर। अब ये मैं आपको पहले की चौपाइयों के द्वारा राज्य की कृपा से बता चुका हूं कि हकीकत का कोई रूप परमधाम के 25 पक्ष, जुगल स्वरूप, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, पशु पंखी दरखत जिमी आसमान जल तेज वायु, सबके अंदर राज्य का दिल विराजमान है। तो हक छाती ना दिल अंतर। हक की छाती एक तो जो मूल मिलावे में उनका रूप विराजमान है, लेकिन परम धाम ही उस छाती का प्रकट स्वरूप है। वो भी रूप है राज्जी के दिल का प्रकट रूप। तो उस हर रूपों के अंदर राज्जी का दिल और उसकी अनंत रस विराजमान होता है। तो हक छाती ना दिल अंतर, ए पट आड़ा क्यों रहे जब हुक्मे बांधी कमर। अब यहां पे आत्मा का प्रश्न उठाता है कि आत्मा के दिल में और राज्य की छाती में कोई अंतर नहीं रह जाता, और ये जो फरामोशी का माया का पर्दा आत्मा के सामने पड़ा है, तो जब राज्य के हुक्म ने ये बीड़ा उठा लिया कि अब मेरी आत्माओं को जागना है, तो हुक्म को हुक्म होता है कि अब समझाओ अपनी रूहों को। जो विचार विचार विचारिए, तो हक छाती ना दिल अंतर, ए पट आड़ा क्यों रहे जब हुक्मे बांधी कमर। जब हुक्म ने ये दृढ़ कर लिया कि अब ये मेरी आत्मा को इल्म से जागकर उस प्रेम का रस पीना है, तो उसको वाणी चिंतन के सिवा, वाणी मंथन के सिवा
प्रेममयी चितवन में लगाकर राज्जी के चरण कमल पकड़कर उनके मुखार बिंद का दीदार करके उनके नैन कमल से अपने नैनों को जोड़ लिया और नैन से जब सैन होने लगे, इशारे होने लगे तो नैनों से रस का फव्वारा बहने लगा और उसकी सभी लहरें मेरे नैनों से होती हुई मेरे दिल के अंदर पहुंच जाती है। और ये कब होगा? ज्ञान से हम समझ सकते हैं, लेकिन अपना दिल जब राज्जी के चरणों में रख देते हैं तभी वो नैन के दर्शन होते हैं और परातम के नैन के दर्शन होते हैं और वो रस का आदान आदान प्रदान तो नहीं कहेंगे, राज्जी के दिल का रस उनके नैनों से होते हुए आत्मा के नैनों में होते हुए उनके दिल में पहुंच जाता है। हक छाती निपट नजीक है, सहरग से नजीक कही। अब ये परम धाम पूरा हमारी सहरग से नजीक कैसे होता है? सिर्फ ज्ञान से होगा कि प्रेम से होगा? बिना प्रेम के राज्जी हमारे दिल में आएंगे नहीं और राज्जी के बिना प्रेम होगा नहीं। हक ना आवे इश्क बिना और हक बिना इश्क ना होए। तो इल्म लेते जाइए, इल्म से चितवन में बैठते जाइए और अपने दिल को राज्जी के चरणों में कुर्बान कर दीजिए, न्योछावर कर दीजिए और शरीर भाव से मुक्त हो जाइए, जीव भाव से मुक्त हो जाइए, संसार के भावों से मुक्त हो जाइए और राज्जी के चरण कमल अपने हृदय में बसाकर उनके नैन कमल से रस पीना प्रारंभ कर दीजिए। तो मेरे दिल में क्या आएगा? प्रेम। प्रेम आएगा तो राज्जी आएंगे। तो प्रेम आने का मात्र एक ही जरिया है, प्रेममयी चितवन। चितवन के बिना अगर कोई सोचे कि सिर्फ ज्ञान लेकर हुंकार भरते हुए ज्ञान का राज्जी का प्रेम आने लगेगा तो वो होगा नहीं। और चितवन से दिल कोमल हो जाता है और कोमल हृदय में ही राज्जी आ सकते हैं। मेरी छाती कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, बासा करो तिन पर तुमसो निस्बत अरस्तन। देखो आत्मा क्या कह रही है कि राज्जी के चरण कमल मेरे कोमल हृदय में आए, लेकिन जब हृदय कोमल होगा तब क्या आपकी छाती अगर कठोर है, माया के दुष्प्रभावों से इतनी कठोर कि जैसे जलता हुआ पत्थर हो, तो क्या आप चाहोगे कि राज्जी के कोमल चरण उस पत्थर नुमा दिल पर आकर बैठे? ऐसा तो नहीं। तो पहले दिल को कोमल करना होगा और दिल को कोमल करने का जरिया प्रेम है और प्रेम आने का जरिया चितवन है और प्रेम आएगा तो राज्जी आएंगे और राज्जी हमारे दिल में मूल से है। बस इस समय माया की वो फरामोशी है, उस पर्दा को बस तारतम के प्रकाश में हटा देना है। तो तारतम को दिमाग में नहीं अपने दिल में लेना है। तारतम का प्रकाश जब मेरे मस्तिष्क को प्रकाशवान कर देता है तो मेरे अंदर अहंकार भर जाता है, मेरी चाल बदल जाती है और वो चाल माया की अहम की चाल हो जाती है। लेकिन जब तारतम का प्रकाश मेरे दिल को रोशन करता है
तो मेरा दिल नरम हो जाता है, कोमल हो जाता है। और धाम के धनी बिना विचारे तुम्हारे दिल में आकर विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि यहां इस दिल में प्रेम बसता है तो मैं हूं, प्रेम है तो मैं हूं, प्रेम नहीं तो मेरा कोई सरोकार नहीं इस दिल से। तो ज्ञान को मस्तिष्क में नहीं दिल में लीजिए, और इस दिल से प्रेममयी चितवन करिए, और उनका प्रेम लेते जाइए, और उनका दिल का रस आपके दिल को कोमल करता जाएगा। हक भी कहे दिल में, अर्स भी कहया दिल, पर्दा भी कहया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। अब इस चौपाई में तो मात्र आप ये देख लीजिए कि तन के ऊपर कोई पर्दा नहीं होता, पर्दा दिल पर होता है। हक भी कहे दिल में, अर्स भी कहया दिल, ये राजी नहीं कहा है। हक भी कहे दिल में, राजी नहीं कहा है कि मैं आत्माओं के दिल में बसता हूं, और जहां मैं बसता हूं वही मेरा सिंहासन है, वही मेरा परम धाम है, वही दिल धाम है। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहया दिल, पर्दा भी कहया दिल को, और इसी आत्मा के दिल के सामने माया का पर्दा आ जाता है। आया सहूरे बेवरा निकल। अब जागृत बुद्धि के प्रकाश में, जागृत बुद्धि का सहारा लेके, तारतम के प्रकाश में, धनी के चरण कमलों को निहार कर, उनके मुखारविंद को देखते हुए, उनके नयन कमल से रस पीते हुए, अपनी सुरता धनी के चरणों में हर घड़ी हर पल बनाए रखें। यही हमारे इस मानव जीवन का लक्ष्य है कि अपने दिल में प्रेम की रसधारा बहाए, और जब मेरे दिल में रस होगा तो मैं किसी को कोई कठोर वचन कह सकता हूं, कोई निंदा किसी की कर सकता हूं, किसी को घृणा की निगाह से देख सकता हूं? ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्माओं का दिल बहुत कोमल है, बहुत नरम है, उस पे राजी के चरण कमल रहते हैं। बस माया का पर्दा हटा देना है और वो नूरी स्वरूप हमारे आत्मा के दिल में अपने तरह तरह के रस पिलाने लगेगा। तो इसी चौपाई को सुंदर साथ दोहरा लेते हैं आज। हक भी कहे दिल में, अर्स भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल, आया सहूरे बेवरा निकल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय, बोलिए श्री मूल मिलावे की।